माइनक्राफ्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब का अटैक कौन सा है? तुम यार 1.19 वाइल्ड अपडेट के बाद डेफिनेटली इस चीज का आंसर दोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब है वार्डन, जिसका मेले अटैक एंडर ड्रैगन या विदर से भी ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक मस्त फन फैक्ट बताऊं कि यार वार्डन से भी ज्यादा एक ऐसा मॉब है जिसका अटैक वार्डन के मेले से भी स्ट्रॉन्ग है। ये मॉब का नाम मैं तुम्हें बताऊं, उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यार ये मॉब है गास्ट। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, गास्ट का अटैक वार्डन से भी ज्यादा हो सकता है, पर सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन में। तुम्हें पता ही होगा कि गास्ट का जो है ना फायर बॉल होता है, जब वो तुम्हारे ऊपर लॉन्च करती है तो तुम उसे हिट करके वापस से गैस्ट के ऊपर मार सकते हो। तो यार वो गैस्ट का फायरबॉल गैस्ट को 1000 हार्ट्स का डैमेज देता है, जो यार वार्डन के मेले अटैक से भी बहुत ज्यादा है। तो टेक्निकली गास्ट का है ना फायरबॉल का डैमेज बहुत ज्यादा हुआ, पर वो सिर्फ एक गास्ट को ही अटैक करता है।